नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कहानी लाए हैं डोमिनोज पिज्जा फाउंडर थॉमस स्टेफन टॉम मोनागन की, जिसने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करके अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से आज डोमिनोज पिज्जा को इस बुलंदी तक पहुंचाया है। तो आइए जानते हैं डोमिनोज पिज्जा सक्सेस स्टोरी और थॉमस स्टेफन के बारे में। थॉमस स्टेफन मोनागन का जन्म अमेरिका के मिशिगन राज्य के एन आर्बर शहर में 25 मार्च 1937 को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके परिवार में माता पिता और एक छोटे भाई थे। पिताजी पेशे से ट्रक ड्राइवर थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। परिवार की गाड़ी जैसे तैसे चल ही रही थी कि अचानक एक क्रिसमस की संध्या पर उनके पिताजी का देहांत हो गया। तब उनकी उम्र मात्र 4 वर्ष की थी। अब उनकी माताजी घर की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें और उनके भाई को मिशिगन स्थित सेंट जोसेफ होम में छोड़कर 6 वर्षों के लिए नर्सिंग कोर्स करने चली गई। इन 6 वर्षों में थॉमस स्टेफन मोनागन को एक सिस्टर मैरी बिराडर की संगत में आस्था और चर्च के प्रति प्रेम जागृत हो चुका था। इसके 6 वर्षों बाद उनकी माँ दोनों भाइयों को अपने साथ ट्रांसवर्ट सिटी ले गई, जहाँ वो अब अपना नर्सिंग कोर्स पूरा करके एक अस्पताल में नर्स के रूप में कार्य कर रही थी। थॉमस स्टेफन मोनागन की अपनी माँ से कभी नहीं बनती थी और माँ के साथ रिश्ते हमेशा खराब रहे, लेकिन उन्होंने भी घर में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सब्जियाँ उगाकर बेची, मछली पकड़कर भी बेची और मिलिकेन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने ट्रांसवर्ट सिटी रिकॉर्ड ईगल पत्रिका बेचने तक का कार्य किया, लेकिन अंत में उनकी माँ ने उन्हें अनाथालय भेज दिया। आखिरकार जीवन में काफ़ी संघर्षों के बाद थॉमस स्टेफन मोनागन ने वर्ष 1960 में अपने छोटे भाई के साथ मिलकर मिशिगन के यप्सिलांती शहर के डोमोनिक डिवात्री नामक व्यक्ति से पिज्जा स्टोर खरीदकर पिज्जा व्यवसाय शुरू किया। शुरू में पिज्जा डिलीवरी के लिए फैक्ट्री के ही 2 बेरोजगार कर्मचारियों को रखा गया। सब कुछ शुरू किया ही था कि 8 महीने बाद ही छोटा भाई अपनी पोस्ट ऑफिस वाली नौकरी के लिए अपना हिस्सा बड़े भाई को बेचकर चले गए। उसके बाद थॉमस स्टेफन मोनागन अकेले ही कुछ समय तक व्यवसाय चलाते रहे। फिर जल्दी ही उनके नए पार्टनर के रूप में जिम गिलमोर मिले और जल्दी ही उनकी मेहनत रंग लाई और बस 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने यप्सिलांती में अपना दूसरा पिज्जा स्टोर खोल लिया और फिर 2 वर्षों के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तीसरा किंग पिज्जा खोला। जल्द ही थॉमस स्टेफन मोनागन ने अपने नए पार्टनर को पिज्जा स्टोर देकर व्यवसाय का पूर्ण अधिकार कर लिया और डोमिनोज के नाम से कंपनी शुरू की और उसका लोगो भी बनवाया। उनका लक्ष्य शुरू से ही लोगों को सबसे स्वादिष्ट और अच्छी क्वालिटी का पिज्जा उपलब्ध करवाना था और उन्होंने उसी तरफ अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने अमेरिका के लोगों के बदलते कल्चर और ट्रेंड को देखते हुए पिज्जा होम डिलीवरी सर्विस शुरू की, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसे इंसुलेटेड पिज्जा बॉक्स का निर्माण करवाया जिसमें पिज्जा लंबे समय तक गर्म रहता और कई पिज्जा बॉक्स की वजन भी सह लेता था। आखिरकार उनका डोमिनोज पिज्जा खूब चलने लगा और वर्ष 1969 तक डोमिनोज पिज्जा के 12 स्टोर खुल चुके थे। लेकिन तभी उनके जीवन में एक भारी मुसीबत आई और उनके मुख्य पिज्जा स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद व्यवसाय में उन्हें भयंकर घाटा हुआ और करोड़ों रुपए का कर्ज ना चुकाने के कारण कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया और बैंक ने डोमिनोज पिज्जा को अपने अधीन ले लिया। बैंक भले ही इसको अपने अधीन ले ली थी, लेकिन बैंक भी इनके स्टोर से परेशान हो गई थी। बैंक इतना परेशान हो गई थी कि आखिरकार वर्ष 1971 में बैंक ने डोमिनोज पिज्जा को डूबता मानकर थॉमस स्टेफन मोनागन को एक स्टोर के बदले डोमिनोज के सारे शेयर वापस कर दिए। अब बागडोर पूर्ण तरह अपने हाथ में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले कंपनी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए डोमिनोज पिज्जा के 5 स्टोर अपने प्रतिद्वंदी डेट्राइट के डिनोज को बेचे, जिसके कारण डिनोज सबसे बड़ा पिज्जा चैन बन गया। अब उन्होंने बाकी बचे 5 स्टोर के साथ ही काम आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पहले बैंक का कर्ज उतारा और फिर पिछली वाली गलतियों से सबक लेकर धीरे धीरे कई जगह कंपनी स्टोर को खोलकर डोमिनोज पिज्जा का विस्तार किया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1973 में कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए 30 मिनट में गारंटीड पिज्जा की तकरीबन अपनाई, जिसमें पिज्जा होम डिलीवरी सर्विस में ग्राहक को 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी न हो पाने की स्थिति में एक पिज्जा फ्री में दिया जाता था
और 30 मिनट के अंदर ही पिज्जा ग्राहक तक पहुंचाने पर डिलीवरी मैन को बोनस प्रदान कर सम्मानित किया जाता था। थॉमस स्टेफन मोनाघन ये तकरीब काम कर गई और डोमिनोज पिज्जा चल निकला और आज की स्थिति में ये पिज्जा हट के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी पिज्जा चैन कंपनी बन गई, जो कई दूसरे देशों में ग्राहकों को अपनी पिज्जा होम डिलीवरी सर्विस की सेवा दे रही है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि संघर्ष से कभी मत भागो, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी ही जीत होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।